अर्णब गोस्वामी आज धक्का मुक्की हो गई उसके साथ। ओ बहुत गलत हुआ। अरे क्यों गलत खबर चला रहे हो सोशल मीडिया पे और यहाँ पे न्यूज चैनलों पे कि अर्णब गोस्वामी के साथ धक्का मुक्की की गई? नहीं रे, पागल है क्या? धक्का मुक्की नहीं की गई है, उसकी पिलाई हुई है तबीयत से। सुबह का भरपूर नाश्ता दिया गया है, सुबह 7:55 पे ही सर्व कर दिया है कि खा बेटा अभी तू, अभी ये नाश्ता है, फिर दोपहर का खाना आएगा, फिर उसके बाद में शाम का नाश्ता आएगा, फिर रात का मजबूत खाना आएगा। अभी तो शुरुआत हुई है दिन की, आगे आगे देखिए होता है क्या। और जिस तरह से अर्णब को उठाई गई है, क्योंकि दफा 306 के अंतर्गत आत्महत्या को उकसाने के प्रयास में 2018 के एक मामले में उठाया गया है, उसको देखते हुए एक हीरोइन है हमारी झांसों की रानी, उसकी पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया है, आ गई भौंकने। जरा देखिए क्या भौंक रही है। मैं महाराष्ट्र सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि आपने आज अर्णब गोस्वामी के घर में जाके उनको मारा है, उनके बाल नोचे हैं, उनको असॉल्ट किया है, कितने घर तोड़ेंगे आप और कितने गले दबाएंगे, कितने बाल नोचेंगे आप, कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? सोनिया सेना, कितने मुंह बंद करेंगे आप? ये मुंह बढ़ते ही जाएंगे। आज कितने हमसे पहले कितने शहीदों के तो गले काटे गए हैं, उनको लटकाया गया है फ्री स्पीच के लिए, कोई बात नहीं। आ मेला बाबू, ऐसा बोलती कितनी अच्छी लगती रे बाबा। आपको हमारे मुख्यमंत्री, हमारी मुंबई पुलिस आपको पेंगुइन लगती है, गुस्सा आता है। अरे नहीं रे, जैसे तेरे को पेंगुइन दिखाई देते हैं ना वो लोग, वैसे हमको तो कुतिया नजर आती है, कुत्ती। हम भी बोलते, बुरा लगा क्या तेरे को? ओ हो बेचारी, टेंशन मत ले, अर्णब के बाद तेरा ही नंबर है। अभी तो तू फड़फड़ा ले जितना है और जा उधर दरबारी लगा दिल्ली में। ये भी लगाता था रोज, दिल्ली के भरोसे उड़ता था इतना कि आएंगे बाप हमारे बचा लेंगे। उखाड़ लो ना अभी। और दूसरा, तुम भी तैयारी कर लो, जो भी अच्छे अच्छे कपड़े हैं, नाश्ता वगैरह सब लेके तैयार रखो कि बहुत जल्द तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। और ये मुंबई पुलिस है, कुछ भूलती नहीं है। आप जितना इनको दोगे उसका दुगना ये रिटर्न करती है।